सॉन्ग ऑफ इंडिया जिसे ड्रेसिना रिफ्लेक्सा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इस प्लांट को कितनी खाद देनी है, कब कब देनी है, कितना पानी देना है, इसकी मिट्टी किस तरह की बनानी है, कौन से कीड़े इसके ऊपर अटैक करते हैं और अपने घर में किस लोकेशन पे इसको रखना है, धूप में रखना है, साए में रखना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट को साल में सिर्फ 2 दफ़ा खाद दें, एक सर्दियाँ आने से पहले और एक गर्मियाँ आने से पहले, यानी कि आप इसको खाद दे दें मार्च के महीने में और उसके बाद इसको अगस्त के महीने में खाद दें, इट्स इनफ। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये मर जाता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया को घर लाकर आप इसकी 1 हफ्ते के बाद रीपॉटिंग करें, यानी कि दूसरे गमले में लगाएं और इसकी जो पुरानी शाखाएं हैं सूखी हुई उसको हटा दें। इसके अलावा रूट्स यानी इसकी जड़ें भी थोड़ी सी कट कर दें ताकि दोबारा ये पौधा नई जड़ें बनाए और भरपूर अंदाज में बड़ा हो सके। अब बात करते हैं पेस्ट कौन से इस पर अटैक करते हैं, कीड़े मकोड़े इसको कौन कौन से लगते हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कीड़ा अभी तक मैंने देखा है, स्पाइडर माइट जिसे कहते हैं, यानी कि एक छोटी सी मकड़ी होती है जो पत्तों के पीछे जाल बुन देती है और फिर वहाँ से छोटे मोटे कीड़े पनपना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हफ्ते में 1 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे कर दें और नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी बनाकर उसको स्प्रे करके साफ करते हैं। ड्रेसिना रिफ्लेक्सा यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये वेरीगेटेड वैरायटी है, सिंपल वैरायटी का भी आता है, उसमें पत्ते ज़्यादातर ग्रीन होते हैं और बहुत ही कम डिफरेंट शेड होता है। अब बात करते हैं इसके लिए जो हमें मिट्टी तैयार करनी है वो कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमें मिट्टी तैयार करनी है उसमें 50% बालू मिट्टी, 30% रेत और 20% काउडम कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट लें, लेकिन इसकी मिट्टी में कोकोपीट बिल्कुल भी शामिल ना करें। इसकी मिट्टी में रेत हमने इसलिए शामिल किए कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, यानी कि पानी बह जाए और मिट्टी जो है ना ज़्यादा सख्त भी ना हो। अकेली अगर खाली मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थोड़े दिनों में सख्त हो जाती है और रूट्स को फैलने फलने फूलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस वजह से हमें इसमें रेत शामिल करनी है ताकि एक तो पानी ड्रेन हो जाए जल्दी से और दूसरा पौधों को जो जड़ें होती हैं इसकी उसको बढ़ने के लिए आसानी हो। इस प्लांट की खास बात यह है कि जितना तेज़ी से लंबा होता है उतनी ही तेज़ी से नीचे के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, झड़ते रहते हैं, नीचे सिर्फ डंडी होती है और ऊपर जाके चंद पत्ते होते हैं और ये उसमें सहारा अपना कर नहीं पाता और एक तरफ झुक कर टूट जाता है, तो उस सूरत में इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न है बरसात का सीज़न, इसके अलावा बसंत बहार में यानी कि आने वाले मार्च के महीने में भी कटिंग इसकी लगा सकते हैं, कामयाब रहेगी। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।